नमस्कार, क्राइम आपको हम दिखाते हैं। एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन इस कत्ल को कातिल ने सुसाइड की शक्ल दे दी। पुलिस के पास कातिल को पकड़ने का कोई सुराग नहीं था। इस कत्ल का कनेक्शन जुड़ा शादी से। आखिर मैरिज और मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है, देखिए। शादी करो वरना मरो, जंगल में सुसाइड की मिस्ट्री, लड़की के झोले पर लगा खून, मर्डर को दी सुसाइड की शक्ल, रिश्ता नहीं तो मार डाला, शादी से इनकार, बेइज्जती का बदलापुर। एक ख्वाहिश के बारे में सुनिए। यह ख्वाहिश थी नंदू मांझी की, जो बस सपने देख रहा था। उसके सिर सेहरा सजे, उसकी बारात में भी दोस्त नाचें, धूम मचाएं, उसकी दुल्हनियां घर आए। इसी शादी के सपने से एक कत्ल का कनेक्शन है। वो कैसे, तो ये भी सुनिए। बीजापुर थाना इलाके के कन्हाईगुड़ा जंगल में 10 अगस्त को 34 साल की सरस्वती की लाश मिली थी। लाश फंदे पर झूलती मिली थी। नाले के पास शिविरपारा की रहने वाली थी सरस्वती, जिसने सुसाइड नहीं किया था। तो वहाँ पे जब फंदा खोला गया तो गले में कट का निशान था, तो ऐसा लग रहा था कि जो धारदार हथियार है उससे हथियार से हाथकर उसमें चोट पहुँचाकर हत्या कर की गई। साथ ही मामले को आत्महत्या का रंग देने के लिए उसमें फंदा लगाया गया। तो डॉक्टरों के डॉक्टर्स ने भी जब पीएम किया तो स्पष्ट कर दिया कि धारदार हथियार से ही हत्या हुई है। वहाँ पर जो जंगल का इलाका था वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क भी थोड़ा वीक था, आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं था, ना ही घटना का कोई वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी था। इस कारण से ये जो मामला है पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। सरस्वती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उसकी गला रेत कर हत्या की गई और उसके गले में फंदा बना दिया गया, लेकिन गले पर हथियार के निशान से राज खुल गया। घनघोर जंगल, नक्सली इलाका था, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थे, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। इसमें नंदू मांझी की शादी सरस्वती कुड़ा में से मतलब तय होने वाली थी, लेकिन इसमें मित्रा के द्वारा बार बार शादी के लिए मना कर दिया जा रहा था। और साथ ही कुछ शब्द भी नंदू मांझी को बोले गए थे, जिससे नंदू मांझी आहत था। बार बार शादी से मना करने के कारण से समाज में उसकी शादी भी लग नहीं पा रही थी। इस बात से नंदू मांझी क्षुब्ध था, तो उसने अपने बड़े भाई मंगल मांझी के साथ मिलकर पहले योजना बनाई और साथ ही सरस्वती कुड़ियानी की उसने रेकी की उसने, और रेकी करने के बाद 6-7 दिन बाद रेकी करने के बाद नाले के पास शव को अंधे में लिटाकर गले में उन्होंने जो पटका है गमछा है वो लपेट दिया। 500 मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए, 200 लोगों से पूछताछ की गई, तब जाकर ये क्लू मिला कि आरोपी नंदू मांझी ने सरस्वती के घर शादी का प्रपोजल भेजा था, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। नंदू मांझी ने फिर भी सरस्वती का पीछा नहीं छोड़ा, उसे उम्मीद थी कि शादी के लिए हाँ हो जाएगी। इस इनकार से नंदू की ना तो शादी हो रही थी और दूसरा समाज में बदनामी भी। जो दिनांक 19 सितंबर को इनको तीनों को हमने हिरासत में लिया था, तो इन्होंने पूरी योजना को मतलब कबूल किया है। साथ ही इसमें जो आरोपी है उनके पिता है कृपनाथ मांझी, इनको पहले से ज्ञात थे कि इनको बेटे ने अपराध कारित किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको आश्रय दिया, आश्रय दिया और किसी प्रकार की सूचना थाने में नहीं दी, तो इस कारण से उनको भी इस मामले में अरेस्ट किया गया। फिर नंदू मांझी ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये दिल दहला देने वाली वारदात की। अकेला देखकर सरस्वती की जंगल में हत्या कर दी। दंतेवाड़ा में दिनेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बदलापुर की हैरान करने वाली वारदात। वो शख्स जिसके दिमाग में शक बैठ गया था, इसके निशाने पर था पत्नी का प्रेमी, लेकिन वो किसी और का कत्ल कर देता है। आखिर कत्ल के टारगेट बदलने की ये मिस्ट्री क्या है? ऐसे बदला मर्डर का टारगेट, निशाने पर पत्नी का प्रेमी, कत्ल किसी और का, हत्यारे ने क्यों बदला निशाना? कुल्हाड़ी सिवार बैतूल में बदलापुर।
उस कातिल की हैवानियत का अंदाजा इस बात से ही आप लगा सकते हैं कि वो कत्ल के इरादे से ही निकला था। ये सीन ऑफ क्राइम उसी गुनाह की गवाही दे रहा है जिस जगह पर हत्यारा आया, जो किसी और का कत्ल करने आया था, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपने दुश्मन को खल्लास नहीं किया बल्कि किसी और का कत्ल कर दिया। बैतूल में बदलापुर की इनसाइड स्टोरी सुनिए। रानीपुर थाना इलाके का दूधावानी गांव है ये, जिस गांव में रेलवे से रिटायर्ड हुए 75 साल के बुजुर्ग मुन्ना लाल बर्डे रहते थे। इन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया गया। वार इतना तगड़ा था कि मुन्ना लाल को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आरोपी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया है, जिसने जब खुलासा किया तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। हत्यारे ने कहा वह बुजुर्ग मुन्ना लाल को मारने के इरादे से नहीं आया था बल्कि उसका निशाना कोई और था। हत्यारा मुन्ना लाल के पोते की हत्या के इरादे से आया था। सवाल है क्यों? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी विवेचना चल ही रही है और चूंकि उस समय मौके पर जो मेन व्यक्ति है उसका नाती जिसके ऊपर इसे शंका है वह नहीं मिला था और बुजुर्ग मिल गया था, तो उसके साथ उक्त घटना कारित हुई है और पूछताछ के बाद बयान में जो भी चीजें सामने आएंगी तो उस संबंध में पृथक से बताया जाए। सर, हत्या किस वेपन से की गई ऐसा कुछ पता चल पाया? अभी जो जानकारी आई है वो कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। इस राज को भी उसी कातिल ने खोला जिसे शक था बेवफाई का। आरोपी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, जिसे शक था कि उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही है। आरोपी के मुताबिक वो पत्नी के प्रेमी को मारना चाहता था। आरोपी की माने तो उसकी पत्नी और मृतक के पोते का अवैध संबंध था, लेकिन वारदात के वक्त पोता नहीं मिला तो उसने अपने दुश्मन के दादा की ही हत्या कर दी। हालांकि पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है कि अवैध संबंध की कहानी का सच क्या है। बैतूल में ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आरोपियों ने कानून को ही अपना हथियार बना डाला, ऐसी तरकीब निकाली कि कत्ल भी हो जाए और वो बच जाए, लेकिन इन आरोपियों की चाल इन पर ही भारी पड़ गई। देखिए यह सनसनीखेज खुलासा, कत्ल करो जमानत करवा देंगे। एक गुनाह में नहीं फंसे, दूसरे गुनाह में भी बच जाओगे। कत्ल की हैरान करने वाली साजिश, दुश्मन को खल्लास करने का खौफनाक प्लान, चाकू से वार, ऐसे खुला राज। विसर्जन के दिन खूनी खेल, कत्ल करो जमानत करवा देंगे। वो विसर्जन का दिन था, बप्पा की विदाई की जा रही थी, तारीख थी 17 सितंबर। इसी तारीख को इन आरोपियों ने एक कत्ल की साजिश रची, लेकिन कत्ल का तरीका कितना हैरान करने वाला था ये पुलिस की जुबानी आपको सुनवाते हैं। कैसे कानून को इन लोगों ने हथियार बनाया, कैसे कत्ल के लिए एक नाबालिग को उकसाया, जुर्म में ये आरोपी भी शामिल थे। शिवा साहू ने नाबालिग बालक को पूर्व में बकरा चोरी के अपराध में हुआ था, जिसमें नाबालिग बालक जेल नहीं गया था, तो उसी बात पर से उसका फायदा उठा करके नाबालिग बालक को बोला था कि तुम जो है उसको मार देना कामता पटेल को और मैं तेरे को छुड़ा लूंगा करके शिवा साहू ने ऐसा आश्वासन दिया था। यही थी वो साजिश, दुश्मन को खत्म करने का खौफनाक प्लान, जिसमें आरोपियों ने एक नाबालिग को अपना हथियार बनाया। राजनांदगांव के लालबाग थाना इलाके में पेंड्री अटल आवास रोड पर कामता पटेल के साथ आरोपियों और नाबालिग लड़के ने साजिश के तहत मारपीट की और फिर चाकू से वार करके नाबालिग और दूसरे आरोपी विजय यादव ने कामता पटेल की हत्या कर दी। इस कत्ल के मास्टर माइंड का कामता पटेल से विवाद था। 17 तारीख को शाम करीब 5 बजे पेंड्री बस्ती के पास में एक युवक की हत्या कर दिया है, जिसको मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लाया गया करके पाए उसके प्राथमिक रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर में लिया गया, पंचनामा कार्रवाई किया गया, जिसमें युवक के द्वारा हत्या करने की बात पुष्टि हुई। नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक से पूछताछ किया गया, जो पूर्व में उसके साथ रंजीत सोना पताए और अन्य आरोपी शिवा साहू व विजय यादव उर्फ बाबा के साथ ही पूर्व में कामता यादव के कामता पटेल के साथ में लड़ाई झगड़ा होना बताए थे पूर्व में, जिस रंजिश पर से शिवा साहू ने नाबालिग बालक को पूर्व में बकरा चोरी के अपराध में हुआ था, जिसमें नाबालिग बालक जेल नहीं गया था। इससे पहले भी तीनों आरोपी नाबालिग लड़का विजय यादव और कत्ल का मास्टर माइंड शिवा साहू बकरा चोरी केस में शामिल थे। जेल नहीं गया था, तो उसी बात पर से उसका फायदा उठा करके नाबालिग बालक को
बोला था कि तुम जो है उसको मार देना कामता पटेल को, और मैं तेरे को छुड़ा लूंगा करके शिवा साहू ने ऐसा आश्वासन दिया था, जिस बात पर से उन लोग ताक पर थे और घटना दिनांक को समय पर आपस में लड़ाई झगड़ा हुए, और इसी बात पर से विधि से संघर्षरत बालक व विजय यादव उर्फ बाबा दोनों ने मृतक कामता पटेल को चाकू से मारकर हत्या कर दी है। बकरा चोरी के मामले में नाबालिग लड़का बच गया था, बस इसी बात को लेकर वो नाबालिग को उकसा रहे थे कि देखना तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, पहले केस में बच्चे हो इस केस में भी बच जाओगे। प्रकरण में विधि से संघर्ष शरद बालक को कल विधिवत कार्रवाई कर दिया गया है और आज दो अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस बार चाल कामयाब नहीं हुई, आरोपियों का राज खुल ही गया। राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लड़के का एक तरफा इश्क लड़की के लिए काल बन गया। लड़के ने शादी से इनकार किया तो सिर्फ फिर आशिक ने जान ले ली। गोरखपुर में हुई कत्ल की इस घटना का तरीका जिसने भी सुना हैरान रह गया। एक तरफा इश्क और कातिल प्रेमी, शादी से मना करने पर लड़की का मर्डर, चलती कार से रौंदकर हत्या की वारदात, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना गोरखपुर की है। यहाँ बुधवार को एक लड़की कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, सड़क किनारे खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत पहले से उसका इंतजार कर रही है। इंतजार के कुछ मिनटों भीतर ही एक तेज रफ्तार कार आई और लड़की को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया और कार पलट गई। आसपास के लोगों ने कार चला रही लड़की को घायल हालत में निकाला और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। अब तक ये घटना एक साधारण हादसा लग रही थी, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल की तो खुलासा सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की की पहचान अंकिता के रूप में हुई, जो बरहुआ इलाके की रहने वाली थी। कार चला रहे लड़के से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला प्रिंस यादव नाम का ये लड़का अंकिता से एक तरफा इश्क करता था और शादी से इनकार करने पर कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में जब थाने पर सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर जांच की गई, परिजनों से वार्ता की गई, तो ये बात संज्ञान में आई कि जिस युवक द्वारा वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चलाई जा रही थी वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी, लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे शुभ होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद पुलिस ने हिट एंड रन मामले के आरोपी प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से पूछताछ में बी आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया है कि लड़की से एक तरफा प्यार करता था और शादी से इनकार करने पर गुस्से में था। प्रिंस यादव कुशीनगर जिले के हाटा थाना क्षेत्र के गणेशपुर का रहने वाला है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। मुकदमे पंजीकृत होने के उपरांत इस अभियुक्त को, जिसका की नाम प्रिंस यादव है, जो कि मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है परंतु उसके मामा का घर इसी युवती के गांव में है जहां उसका आना जाना था, इस अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये उस गाड़ी का ओनर नहीं है, इसके द्वारा ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही किराए पर ली गई है। हिट एंड रन की वारदात तो कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन एक तरफा इश्क में कार से कत्ल की वारदात अपने आप में न सिर्फ अन्य घटनाओं से अलग है बल्कि सनसनीखेज भी है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी प्रिंस को सलाखों के पीछे भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रेमिका की शादी तय होने से बौखलाए प्रेमी ने एक कार से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल प्रेमी का प्लान ये था कि प्रेमिका के हाथ पैर तोड़ दिया जाए जिससे उसकी शादी पोस्टपोन हो जाए, और इसी प्लान के तहत उसने इस पूरी साजिश रचते हुए सबसे पहले अपने दोस्त से कार किराए पे ली और उसको किराया देता रहा। 15 दिनों तक वो अपनी प्रेमिका पर नजर बनाए हुआ था। प्रेमिका जब स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो
जैसे ही वो रोड पे ऑटो का इंतजार कर रही थी, ऑटो आने ही वाला था कि तब तक प्रेमी कार से पहुंचता है, उसको जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी तेज थी कि प्रेमिका कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिरी और डिवाइडर से उसका सिर टकरा गया और उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। आपने कई चोरों के किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन आज हम ऐसे 7 चोर आपको लाइव दिखाएंगे। अजब चोर गजब कारनामे, 3 शहर वारदात लाइव। उस चोर के टारगेट पर मंदिर, भगवान के घर डाले वो डाका। इधर चोरनियों की कहानी, बाउंड्री वॉल में छेद, फिर भी ना खुला भेद। 3 शहर की ये अजब चोर हैं, लेकिन किसी चोर का प्लान फेल हो गया तो कोई खेल कर गया। बस आप तीसरी आंख से इनके गुनाहों को देखते जाइए। सबसे पहले तस्वीर बिलासपुर की, आंखों से काजल ऐसे चुराया जाएगा कि ना तो दुकानदार को पता चलेगा ना ही आपको पता चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो सीसीटीवी ने इस महिला गैंग का राज खोल दिया। 2 महिलाएं सोने की जेवर देख रही हैं बिलासपुर के सदर बाजार के माखन ज्वेलर के यहाँ। चैन देखते देखते देखिए कैसे जेवर पार कर लिया। सोने की चैन रखी, लेकिन हाथ में सोने की चैन चुराकर छुपा ली। अब दूसरे चोर का तारुफ खुद सीसीटीवी फुटेज बताएगा। भगवान के घर रात में मन्नत मांगने नहीं आया ये चोर, बल्कि रात के अंधेरे में ऊपर वाले के घर डाका डालने आ गया है। हरदा सिटी कोतवाली थाना इलाके का ये मामला है। खास बात ये है कि ये चोर अक्सर मंदिर को टारगेट करता है, मंदिर में दान पेटी चुराता है, क्योंकि इसे पता था कि मंदिर में कोई पहरा नहीं देता, ना गार्ड होते हैं। रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि सिद्धि विनायक मंदिर जो टाक चौराहे में स्थित है, वहाँ पे कोई अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर घुसा था और दान पेटी लेकर भाग रहा था और दान पेटी को छोड़कर भाग गया है। उस सूचना पे हमने फुटेज देखे, फुटेज में एक व्यक्ति का चेहरा और कपड़े दिखे। उसके आधार पे हमने कल रात को ही पूरे टीम को गश्त के सभी पॉइंटों को अलर्ट किया और घेराबंदी करके उस आरोपी को हमने पकड़ लिया था। चोर ने सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के गेट का ताला तोड़ा था, पेटी भी निकाली, लेकिन पेटी चुरा पाता उसे लेकर 9:00-2:11 होता, लेकिन इसका प्लान फेल हो गया। पुलिस की गाड़ी गुजरी और चोर को दौड़ लगानी पड़ी। अब ये चोर जो भगवान के घर सेंध मारी कर रहा था, वो पकड़ा गया। इसका पूर्व का भी इसमें लगभग 15-20 अपराध पंजीबद्ध है और ये हमेशा से ये एक तो जो पान ठेले होते हैं, टप होते हैं, वो और मंदिर, इन्हें को अक्सर वो टारगेट करके चोरी करता है। तीसरी तस्वीर देवास की है। औद्योगिकी थाना इलाके की हथियार से लैस 7 बदमाश हैं। फरियादी की दुकान के पीछे व घर के आगे बनी बाउंड्री वॉल में बड़ा छेद कर दिया और एक एक कर सभी 7 बदमाश परिसर में घुस गए। इनके पास दराता, खुखरी और लाठी थी, लेकिन घर में एंट्री नहीं कर पाए। नहीं, हमारे जो बाड़ा था, मकान के आगे जो बाड़ा है, उसमें घुसे थे। कुछ 7 लोग थे। सुबह सीसीटीवी कैमरे में पता चला, सुबह जैसे 7 बजे हमारे वहाँ घोड़ा है तो उसका निराव पानी करने जो चौकीदार गया तो उसने वहाँ पर गड्ढा देखा, तो उसने फ़ोन लगा के बेटे को बताया कि यहाँ पर एक गड्ढा करा हुआ है और गड्ढे में से कुछ शंका हो रही है कि कोई घुसा होगा। 3 शहर में सीसीटीवी में कैद हुई ये वारदात लाइव। देवास में आखिर किस गैंग का ये काम था? बिलासपुर में किस चोरनी गैंग ने वारदात की? बिलासपुर से उमेश मौर्य, हरदा में प्रवीण तंवर और देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।